दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट ने बिहार राज्य को दिवाली पर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, ड्राई पोर्ट के तौर पर। ये ड्राई पोर्ट आखिरकार क्या होते हैं? ये ड्राई पोर्ट इनलैंड पोर्ट होते हैं। जब कोई राज्य सी पोर्ट या एयरपोर्ट से बहुत दूर होता है तो वहां पर हमें कार्गो हैंडलिंग करनी होती है, एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए। जिन गुड्स को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए कार्गो हैंडलिंग का काम ये इनलैंड ड्राई पोर्ट करते हैं। और ऐसा ही बिहार राज्य में इनलैंड ड्राई पोर्ट बनाया गया है, जो बिहार और आसपास के राज्यों के जितने भी गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने हैं उनकी हैंडलिंग करेगा। और इसका पहला कंसाइनमेंट बिहार के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ने ऑलरेडी लेदर गुड्स के साथ रशिया की तरफ रवाना कर दिया है। ये नया ड्राई पोर्ट बिहटा में बना है और ये बिहार राज्य की इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ उसके पिछड़े राज्य के स्टेटस में बड़े बदलाव लाएगा। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल अकेडमी ग्रुप। सो बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट, इट्स सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर बिहार एज अ स्टेट। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चहल अकेडमी ग्रुप आपके लिए दिवाली के शुभ अवसर पर लाया है अपने लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज में कुछ डिस्काउंट्स। आप देख सकते हैं कि लाइव फाउंडेशन बैच की अगर मैं बात करूं तो 99,999 का कोर्स आपके लिए 5 नवंबर तक केवल और केवल 49,999 में अवेलेबल है। और दूसरी तरफ जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं वो 24,999 के कोर्सेज 19,999 में अवेलेबल हैं। इन डिस्काउंट्स को प्राप्त करने के लिए आपको एक कोड यूज करने की जरूरत है जिसका नाम है दिवाली, DIWALI। इस कोड को अप्लाई करते ही, प्रोमो कोड को अप्लाई करते ही आपको ये डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। इससे ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और आप इस नंबर पर 9265921993 नंबर पर कॉल करके भी जानकारी कोर्सेज के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। बिहार को पहला ड्राई पोर्ट मिलता है। इनलैंड ड्राई पोर्ट क्या होता है, पहले ही मैं बता देता हूं आपको। इनलैंड ड्राई पोर्ट एक इनलैंड मतलब देश के बीचों बीच एक ऐसा पोर्ट होता है जो उसको सी पोर्ट और एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है थ्रू रोड्स एंड रेलवेज। यहां पर कस्टम्स, जिस तरीके से हमें सी पोर्ट्स में और एयरपोर्ट्स में कस्टम्स डिपार्टमेंट के लोग अपॉइंटेड दिखते हैं जो क्लियरेंस देते हैं गुड्स को, उसी तरीके से ड्राई पोर्ट में भी कस्टम क्लियरेंस हमें देखने को मिलता है। यहां पर एग्जैक्टली फॉर्मल जो हमें कार्गो हैंडलिंग चाहिए वो कार्गो हैंडलिंग की जाती है। और इसी वजह से हमने देखा कि ड्राई पोर्ट से बिहार के पहला जो कंसाइनमेंट भेजा गया हमारे दोस्त रशिया को भेजा गया है और इसमें कुछ लेदर प्रोडक्ट्स हैं। हम जानते हैं कि बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा लेदर एक्सपोर्ट होता है, राइट। तो दिस ड्राई पोर्ट एम्स टू सिग्निफिकेंटली एनहांस द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बिहार। रिसेंटली हमने देखा कि कई सारी न्यूज उठ रही थी कि मखाना कैपिटल, वर्ल्ड का मखाना कैपिटल बन चुका है बिहार। तो अब आने वाले समय में बिहार का जो पिछड़े राज्य का स्टेटस है वो हमें देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य की सरकार अब डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। अ ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो ICD इज अ लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी लोकेटेड अवे फ्रॉम सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स एंड इट इज कनेक्टेड टू सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स थ्रू रोड्स एंड रेलवेज। मतलब रशिया सीधे नहीं भेज दिया गया होगा, किसी रोडवेज या किसी रेलवेज फैसिलिटी का यूज करके उसको कनेक्ट किया गया होगा किसी सी पोर्ट से और फिर वहां से रशिया जाएंगे ये गुड्स, राइट। इसका कार्गो हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है, स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किया जाता है। ये एक तरीके का लिंक होता है इनलैंड रीजन में फ्रॉम द सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। इसका फायदा आसपास के राज्य भी उठा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को भी अगर कुछ गुड्स अपने एक्सपोर्ट करने हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को बिहार में भेज सकते हैं और इस इनलैंड डिपो के थ्रू वो गुड्स बाहर जिस भी जगह पर हमें भेजने हैं, जिस भी देश में भेजने हैं, वहां पर एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो इनलैंड ड्राई पोर्ट्स के बनने से कंसोलिडेशन भी होता है ओवरऑल ट्रेड का, राइट। इसका इंपॉर्टेंस बिहार के लिए क्या है, बिहार के लिए ये इनिशिएटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। हमारे देश में बिहार, यूपी ऐसे राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ के जो युवा हैं वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। साथ ही साथ बिहार को जाना जाता है इसके, क्योंकि गंगा बेल्ट में पड़ता है, गंगा बेसिन में पड़ता है, इसलिए एग्रीकल्चरल बेस्ड गुड्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और वेस्ट भी होते हैं। अगर इस तरीके की एक फैसिलिटी बन जाती है और हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं
हमें देखने को मिलेगा कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लेदर गुड्स, मैंने बताया कि चंपारण जैसी एरियाज में लेदर गुड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो लेदर गुड्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जा सकता है, राइट। इससे कार्गो कंसोलिडेशन किया जाएगा, आसपास के जितने भी एरियाज हैं वहां से शिपमेंट्स आएंगे, इसी डिपो में आएंगे और यहां से सीधा उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। कस्टम्स क्लियरेंस मिलेगा, फॉर्मल कस्टम्स क्लियरेंस, जिस तरह का एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स में होता है, राइट। तो इससे हम जल्दी मूवमेंट कर सकते हैं गुड्स का, गुड्स को जल्दी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा इट एम्स टू एनहांस कार्गो हैंडलिंग, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड प्रोवाइड सिक्योर स्टोरेज। एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है, एक्सपोर्ट वैल्यू हमें देखने को मिलती है कि अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट द स्टेट रिकॉर्डेड एक्सपोर्ट्स वर्थ 20,000 करोड़ इन 2022-23, मतलब एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और काफी बड़ा एक्सपोर्ट बिहार से होता है। विद द बिहता आईसीडी नाउ ऑपरेशनल द स्टेट एम्स टू एनहांस इट्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल फर्दर। हमने देखा कि किस तरह मखाना के लिए, यहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मखाना फॉक्स नट्स के लिए, पोटैटोस के लिए, टोमेटो कल्टीवेशन के लिए, बनानास के लिए, लीची के लिए, इन सभी गुड्स के लिए बिहार को जाना जाता है। लीची, मखाना, ये ऐसे गुड्स हैं जो स्पेसिफिकली बिहार में होते हैं, राइट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट कैपेसिटी बहुत बड़ी है, इसको एक ऐसी फैसिलिटी की जरूरत है, जैसे कि राइस का भी कल्टीवेशन, तरह तरह की राइस की वैरायटी का कल्टीवेशन बिहार में होता है। मीट बहुत ज्यादा होता है बिहार में, राइट। इसके अलावा की एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मेज प्रोडक्शन, मतलब भुट्टे का, जो हम भुट्टा खाते हैं, मक्का खाते हैं, उसका, मक्के का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है नॉर्दर्न बिहार डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, सहरसा हो गया या पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, राइट। लेदर एंड गार्मेंट यूनिट्स भी मुजफ्फरपुर में, चंपारण में, नालंदा, चंपारण में, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में, मुजफ्फरपुर में हमें लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी देखने को मिलती है। साथ ही साथ वैशाली, नालंदा, पटना और बेगूसराय में हमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत देखने को मिलती है, यहां से प्रोसेस्ड फूड का काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है कि किस तरह मखाना के लिए, मखाना की ग्लोबल कैपिटल बोला जाता है बिहार को। मखाना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मखाना का कंजम्पशन धीरे 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 यूके, यूएस, जापान जैसे स्टेट में, जैसे कंट्रीज में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोग धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं और मखाना एक ऐसा फूड आइटम है जो आपको इनफ फाइबर, प्रोटीन, ये सारी चीजें, आयरन, ये सब प्रोवाइड करता है एक ही बार में, तो इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, डाइटरी सोर्स एक्चुअली। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2022 में बिहार के मखाना को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, रिकॉग्निशन देने के लिए उसको जीआई टैग दे दिया, राइट। तो जीआई टैग देने से भी मिथिला मखाना जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है बिहार। 80-90% इंडिया के 80-90% मखाना प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दुनिया का 80% सप्लाई जो है वो बिहार करता है, राइट। इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ बिहार एज अ स्टेट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी जो बिहार की है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी है कि हम इस तरीके से जो मखाना प्रोडक्शन है उसको लगातार बढ़ाएं, जिससे कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी बढ़े, जिससे गवर्नमेंट का डबलिंग फार्मर्स इनकम, गवर्नमेंट का रेनबो कल्टीवेशन प्रोग्राम, ये सब सक्सेसफुल हमें होते हुए देखने को मिले। बिहार गवर्नमेंट हैज बीन प्रमोटिंग मखाना कल्टीवेशन थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एटसेट्रा, राइट। बिहार की इकोनॉमी में जो हमारा आईसीडी बना है, डिपो बना है, इसका फायदा क्या होगा, पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे, बिहार की एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, किसी भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा क्रिएट होते हैं। प्लस बिहार में चूंकि ट्रेड बढ़ेगा तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट आएगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो फर्दर बूस्ट करेगा बिहार की इकोनॉमी को, फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, इनलैंड पोर्ट बन जाने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो घट जाएगी। अब चूंकि कार्गो हैंडलिंग एक ही जगह पर होगी तो अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह पर नहीं भेजेंगे, वो सीधे बिहार भेजेंगे और बिहार से पूरा कंसोलिडेटेड गुड्स जो है वो एक सी पोर्ट या एक एयरपोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, राइट। डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज, देखिए किसी भी ऐसी एक्सपोर्टिंग यूनिट के बनने से वहां पर कॉग्लोमरेशन होता है, वहां पर कई सारी इंडस्ट्रीज लगती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि वो अपनी जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, उसको कम करें। इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए बिहार में रॉ मटेरियल भी पाया जाता है, आप जानते हैं कोयला पाया जाता है बिहार में, तो रॉ मटेरियल भी पाया जाता है इंडस्ट्री के लिए, तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बिहार में जाकर वहीं से रॉ मटेरियल लेंगी
और इस आईसीडी फैसिलिटी का यूज करेंगी और बिहार से ही गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, राइट। इसके बाद हमें यह देखना है कि बिहार में चैलेंजेस क्या है। हमने एक डिपो बना दिया, हमने एक बिहटा में ऐसी फैसिलिटी बना दी जहां से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ड्राई पोर्ट बना दिया, बट क्या हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, क्या हमारे पास बिहार में ह्यूमन रिसोर्स है उसके लिए? तो इस स्किल गैप को हमें दूर करना होगा, इट्स अ बिग चैलेंज, राइट, कि स्किल्ड लेबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। प्लस बिहार में हम देखते हैं, अगर हम सेंट्रल बिहार की बात करें, केवल पटना और इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो वहां पर रेलवे और रोडवेज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बट रेस्ट ऑफ द बिहार में रेलवे और रोडवेज कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। कई कई जगह ऐसी है जहां पर रोड्स ही नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है जिसके थ्रू आप कन्वीनियंस कर सके, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हमारे सामने बहुत ज्यादा बड़ी आने वाली है। आई होप कि बिहार गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काम करेगी, मतलब उन्होंने एक ड्राई पोर्ट तो बना दिया बट उससे रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें वो भी हमें देखने को जल्दी से जल्दी मिलेगा, इससे फर्दर कॉस्ट कटिंग पॉसिबल हो सकेगी, राइट। क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड इश्यूज है, हम जो भी गुड्स बनाते हैं उन गुड्स की डिमांड बाहर तभी होगी जब हम उनकी क्वालिटी टॉप नॉच रखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री, रिच कंट्री हमसे कुछ खरीदना चाहती है तो वो तभी खरीदेगी जब उनको टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी। अगर वो हम टॉप नॉच क्वालिटी उनको सर्व नहीं करेंगे तो दे विल नॉट डिमांड दीज गुड्स फ्रॉम अस, वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, वो बांग्लादेश शिफ्ट हो जाएंगे, वो ईस्टर्न कंट्रीज में शिफ्ट हो जाएंगे, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, अलग कंट्रीज में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट का लिमिटेड एक्सेस है अभी, और ट्रेड नेटवर्क्स भी जो है उनमें भी कई सारे चैलेंजेस हैं, तो पोटेंशियल बायर्स को ढूंढना, उन तक गुड्स को पहुंचाना, ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस बिहार के सामने हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, इसके लिए हम लोकल कम्युनिटी के स्किल डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस के फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं, इनके लिए मैकेनिज्म्स बना सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, मतलब आप जीरो इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करो कि इसका कोई बैड इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर ना पड़े, साथ ही साथ आप ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करो कि आपके जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो उसमें भी किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट ना हो, पैकेजिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना हो, टॉप नॉच क्वालिटी हो। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की हमें रिक्वायरमेंट है, वी नीड टू एक्सप्लोर एंड प्रमोट एक्सेस टू न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स, जिससे कि हम पार्टनरशिप करके, ट्रेड एग्रीमेंट करके, जिससे कि हमें पता चल सके कि भाई हमारे गुड्स का डिमांड किस मार्केट में है। साथ ही साथ रेगुलेटरी प्रोसेसेस, जो बहुत ज्यादा स्टेट का इंटरवेंशन होता है, उसको भी हमें कम करने की जरूरत है। अगर स्टेट इंटरवीन बहुत ज्यादा बिजनेस में करता है तो बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ मेजर सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन आर कंट्री, और वो भी एक ऐसे स्टेट में जिससे कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती है, बट आगे हम देखेंगे अगर बिहार की इकोनॉमी बढ़ती है तो इससे काफी ज्यादा अंत्योदय हमें देखने को मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और सारे स्टेट्स भी कॉम्पिटिटिवनेस के चलते, कॉम्पिटिशन के चलते इस तरीके की स्कीम्स लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे, और इन्हीं सारे इनिशिएटिव से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, इसलिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन पुट किया है कि भाई इसका नया जो बिहटा ड्राई पोर्ट है इसका सिग्निफिकेंस बिहार की इकोनॉमी के लिए क्या है, स्टेट का देश के एक्सपोर्ट शेयर में, एक्सपोर्ट में ओवरऑल क्या शेयर रहने वाला है, एक्सप्लेन व्हाट अ ड्राई पोर्ट इज, ड्राई पोर्ट क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बिहार्स डाइवर्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड इवैल्यूएट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन स्टेट्स इकॉनमी, चैलेंजेस क्या सामने आ सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच।